हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए मतलब सुन के अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें फ्लैकॉन K31 टीवी का अनबॉक्सिंग किया, जिसको बहुत अच्छा टीवी था, बहुत अच्छा मुझको लगा। आप लोग भी पूछे थे कि कैसा है टीवी, तो हमने बताया बहुत अच्छा है। मतलब क्या हुआ, एक दिन ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें कि जब बारिश हो रहा था, मतलब बादल गरज रहे थे, उस वक्त क्या हो, एक क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में ठनका, जो कि मेरे गांव में जिस जहां से हमारा लाइट आता है उस ट्रांसफार्मर पे ही गिर गया। मतलब ट्रांसफार्मर पे गिरा तो इतना बड़ा शॉट लगा कि मेरे टीवी का प्लग ऑन था, यानी टीवी तो बंद था तो, लेकिन टीवी के में लाइन ऑन था। तो इसमें क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और टीवी खराब हो गया। उसके बाद मुझे रुकिए, क्यों इतना ज़्यादा टेंशन हुआ, वो उसका कारण आप लोगों को अभी तक मैंने नहीं बताया, बताते हैं। उसका कारण ये था कि मैंने जो परचेस किया था वो तो डिलीवर करके चल गया, लेकिन फ्लिपकार्ट के अकाउंट में अभी तक फ्रेंड्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए मेरे को ये डाउट था कि यार मतलब डिलीवर हुआ ही नहीं है तो गारंटी में कैसे मिलेगा, कैसे टीवी ठीक होगा, इतना बड़ा टीवी है, इसको मतलब ले भी सर्विस सेंटर भी कहाँ ले, कैसे ले जाएंगे। ओ, फिर फाइनली बात कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने फ्लिपकार्ट को फ़ोन किया तो उससे पहले मतलब रेगुलर मैं कॉल करते ही आ रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट आप अपडेट कर दीजिए मेरे ऑर्डर को, लेकिन वो लोग बोला है कि आपका हो जाएगा। कभी नहीं हुआ। मतलब फ्लिपकार्ट का एकदम बेकार सर्विस है, मुझे बहुत बेकार लगता है। और यहीं पे अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन में इतना अच्छा सर्विस है, आपको हर एक परेशानी आपका दूर करेगा। मैंने कॉल किया फ्लिपकार्ट को, वो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम घंटा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप सर्विस सेंटर को, टीवी वाले सर्विस सेंटर को कॉल करिए। हमने क्या किया, टीवी वाले सर्विस सेंटर को कॉल किए। उसके बाद उन्होंने बस ये पूछा कि आप कहाँ से परचेज किए हो, तो हमने बोल दिया फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं। उसके बाद वो बोले कि आप किस मंथ में परचेज किए थे, तो उस मंथ यानी जनवरी में परचेज किए थे, ये भी हमने बात कर लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को सर्विस सेंटर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको आपका टीवी में कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्लिपकार्ट के सर्विस सेंटर पर कॉल कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, आपको इंजीनियर घर पर आएंगे और टीवी में क्या प्रॉब्लम है सब फॉल्ट दूर करेंगे बिना एक भी रुपया खर्च किए। इसमें जो बोर्ड प्रॉब्लम हो या उसको रिप्लेस ही कर देते हैं सीधा। मतलब इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका पावर सप्लाई बोर्ड होता है ये एकदम जर चुका था, तो इसको रिप्लेस कर दिए और अब एकदम टीवी वाह वाह करके चल रहा है, जो कि आप लोग अब देखेंगे। तो फाइनली मिला जुला के ये कहें कि फ्लिपकार्ट की सर्विस मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन उसने अभी तक अपडेट नहीं किया, इसीलिए हमको बुरा लग रहा है और ख़राब लग रहा है उसका सर्विस। और यहीं पर बात करें फैलकॉन K31 टीवी का, तो उसका जो प्रॉब्लम था वो आके सॉल्यूशन तुरंत कर दिया। मैंने आज कॉल किया फ्रेंड्स, आज ही इंजीनियर घर पर आया और काम करके टीवी को चेक चाक करके सब कुछ करके अपने बोर्ड को रिप्लेस करके लगा भी दिया और टीवी मेरा चलने लगा। उसके बाद दिल को सुकून आया और टीवी देखने में आनंद आया, और इतना मतलब अच्छा है, इतना मज़ा आया कि आप लोगों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। हमने चाहा था शुरू में ही वीडियो बनाए, लेकिन मतलब टीवी ख़राब हुआ था उस वक्त ही वीडियो बनाए, लेकिन इतना मतलब दिमाग अपसेट था, कारण ये कि अपडेट नहीं हुआ था फ्लिपकार्ट पर। तो यही बात है। तो आप लोगों को अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सीधे सब संपर्क करिए सर्विस सेंटर, यानी कि जिस जो कंपनी का आपका टीवी है उसके सर्विस सेंटर से कॉल करिए, या नहीं कि फ्लिपकार्ट से करिए, तम बेकार है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।